क्लास 12 चैप्टर 6 रेवेन्यू में आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। हमने कल पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन TR, MR एंड AR। दो कंपटीशन थे, हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज़ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे टोटल रिवेन्यू में डिफरेंट रिलेशनशिप, मार्जिनल रिवेन्यू में डिफरेंट रिलेशनशिप और AR एवरेज रिवेन्यू में रिलेशनशिप। इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में हम देखेंगे किसके थ्रू, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पर प्राइस क्या होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती, गिरती, मोनोपोली होता है, वहाँ पर एकाधिकार होता है। रिलेशनशिप बिटवीन TR, MR एंड AR इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, जब क्या होता है आउटपुट में, प्रोडक्ट में क्या होती है, इंक्रीज होता है, राइज होता है, तो प्राइस गिर जाती है, वही होता है मोनोपोली, एकाधिकार। इनके बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे TR, MR और AR के बीच में, किस कंडीशन में, मोनोपोली के कंडीशन में, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है अपूर्ण, दैट इज उसके अंतर्गत क्या आता है, मोनोपोली आती है, एकाधिकार आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब होता है एकाधिकार प्रतियोगिता। गुड्स आर सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस, इसमें जो गुड्स होते हैं, माल वस्तुएं होती हैं, उन्हें अलग अलग प्राइस पर बेचा जाता है। इन दिस मार्केट अ फर्म कैन सेल मोर आउटपुट ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। इस मार्केट में कौन सा इम्परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो एक फर्म होती है, एक उद्योग होता है, वो अपने प्रोडक्ट को, आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करता है, किस कंडीशन में, अपने प्राइस को रिड्यूस करके, कम करके। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन वो होगा जिसमें एक फर्म एक मार्केट में क्या करती है, कम अपनी प्राइस, अपने आउटपुट की प्राइस को रिड्यूस करती है और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को क्या करती है, सेल करती है, कम प्राइस रिड्यूस करके। और इसका रिजल्ट क्या होता है, AR एवरेज रिवेन्यू और MR मार्जिनल रिवेन्यू, दोनों क्या होती है, बहुत डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन सेल। जब सेल क्या होती है, इंक्रीज होगी, तो एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू बहुत डिक्रीजेस। रिडक्शन इन प्राइस ऑल्सो रिड्यूसेस एवरेज रिवेन्यू, और प्राइस में रिडक्शन होता है, प्राइस कम होती है, रिड्यूस होती है, तो उसकी वजह से एवरेज रिवेन्यू भी क्या होती है, रिड्यूस होने लगती है। ये तो हो गया इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है। रिलेशनशिप देखेंगे टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू में अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन में। तो हम सबसे पहले इसे टेबल के थ्रू समझेंगे और कर्व के थ्रू समझेंगे। टेबल शो रही है हमें 5 कॉलम में यूनिट्स, प्राइस, TR टोटल रिवेन्यू, AR एवरेज रिवेन्यू और MR मार्जिनल रिवेन्यू। यूनिट्स देखेंगे हम, मतलब आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनिट्स जो आउटपुट है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 मतलब जो प्राइस है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो आउटपुट इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। टोटल रिवेन्यू दे रखा हमने, टोटल रिवेन्यू तो हमारा इस प्रकार रहेगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस में मल्टीप्लाई करते तो टोटल रिवेन्यू हमारा निकल जाता है। अब एवरेज रिवेन्यू हम देखेंगे, तो हमने एवरेज रिवेन्यू देखा था, अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, मीनिंग देखा था, तो उसमें हमने देखा था एवरेज रिवेन्यू क्या होती है, आउटपुट में क्या होता है, अगर सेल इंक्रीज होती है तो और प्राइस डिक्रीज होती है, एवरेज रिवेन्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी। और उसी प्रकार मार्जिनल रिवेन्यू जो दिख रही है आपको लास्ट टेबल में, वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मीन्स जो मोनोपोली अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आउटपुट और सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस क्या हो रही है, रिड्यूस होती है, तो AR और MR भी क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। लेकिन हम AR और MR दोनों को देखेंगे तो जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है वो क्या होगा, मतलब मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो रही है, ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, मतलब उसकी क्वांटिटी हम देखेंगे तो मार्जिनल रिवेन्यू लास्ट तक जाते जाते नेगेटिव में आ गई, जीरो से नेगेटिव में आ गई। तो एवरेज रिवेन्यू से मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो रही है, ज़्यादा रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व क्या होता है, ज़्यादा स्टीपर होता है एज कम्पेयर टू एवरेज रिवेन्यू। हम इसे और कर्व के थ्रू समझेंगे, कुछ हो रहा है हमें, इसमें दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स पर आएगी यूनिट्स, दैट मीन्स सेल आउटपुट, वाई पर आएगा टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। तो हम पहले टोटल रिवेन्यू का कर्व देखेंगे, तो इसका स्लोप किस प्रकार बनता है,
इसका डाउनवर्ड होता है, इस प्रकार बनता है किसका, टोटल रिवेन्यू का। देन एवरेज रिवेन्यू हम देखेंगे, तो एवरेज रिवेन्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तो एवरेज रिवेन्यू का कर्व इस प्रकार बनेगा स्लोप। और मार्जिनल रिवेन्यू हमने देखा था टेबल में, मार्जिनल रिवेन्यू एज कम्पेयर टू एवरेज रिवेन्यू वो क्या होती है, ज़्यादा डिक्रीज होती है, माइनस में चली गई थी, तो मार्जिनल रिवेन्यू हमारा इस प्रकार हो गया, जीरो पर आ गई, देन उसके बाद माइनस पर चली गई। टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलियो, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में इस प्रकार बनता है। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे, उन्हें हम और एक बार डिटेल में देखेंगे कर्व कैसा होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हमने अभी टेबल के थ्रू और कर्व के थ्रू समझा था। अब हम इसे देखेंगे, एक हमारे पास चार्ट है, मतलब नॉर्मली जो ए आर और एम आर कर्व बनता है कैसा है। तो प्राइस चेंज होती है, प्राइस बदलती है, रिड्यूस होती है, किसमें, अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व्स विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग इन बोथ द मार्केट फॉर्म। एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, किसमें, दोनों मार्केट फॉर्म में। ए आर लाइज अब वो एम आर, जो एवरेज रिवेन्यू कर्व है वो एम आर मार्जिनल रिवेन्यू कर्व के ऊपर होता है, क्योंकि ये ज़्यादा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव में चले जाता है मार्जिनल रिवेन्यू को। ए आर एवरेज रिवेन्यू कर्व नेगेटिव नहीं होता है, हमने कर्व में भी देखा है। एवरेज रिवेन्यू कर्व इज लेस इलास्टिक इन मोनोपोली मार्केट फॉर्म बिकॉज ऑफ नो सब्स्टिट्यूट। एवरेज रिवेन्यू कर्व क्या होता है, कम लेस इलास्टिक होता है, किसमें, मोनोपोलिक मार्केट में, एकाधिकार मार्केट में, क्यों, बिकॉज ऑफ नो सब्स्टिट्यूट, क्योंकि उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट विपरीत गुड्स नहीं होता है, एवरेज रिवेन्यू का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है इस कंडीशन में, वो क्या होता है, कर्व लेस इलास्टिक होता है। ए आर कर्व इज मोर इलास्टिक इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट। और वहीं हम मोनोपोलिस्टिक की बात करें, कॉम्पिटिशन की बात करें, तो वहाँ पर एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, इलास्टिक होता है, क्यों, क्योंकि उसका क्या होता है, ज़्यादा वहाँ पर सब्स्टिट्यूट होता है। ये तो हो गया एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का स्लोप कर्व कैसा होता है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व किस प्रकार होता है। प्राइस फॉल्स विद द इंक्रीज इन सेल ऑफ आउटपुट, जब जैसे सेल क्या होती है, आउटपुट इंक्रीज होता है, और प्राइस क्या होती है, फॉल होती है, किस में, अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। अंडर इम्परफेक्ट मार्केट ए आर विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो मार्केट होता है उसमें जो ए आर कर्व होता है, एवरेज रिवेन्यू का कर्व होता है, वो किस प्रकार होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हमने इसे कर्व में भी देखा था। इम्परफेक्ट मार्केट में ए आर कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है, तो उसका रीज़न ये होता है, ये हमें ये शो करना चाहता है, विच शोज दैट मोर यूनिट्स कैन बी सोल्ड ओनली एट अ लेस प्राइस। तो ये हमें ये शो करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स हम बेच सकते हैं, किसमें, एक लेस प्राइस में, कम कीमत पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यूनिट्स को सेल कर सकते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू फॉल्स विद एवरी फॉल इन ए आर एवरेज रिवेन्यू प्राइस एंड लाइज बिलो एवरेज रिवेन्यू कर्व। जैसे ही एवरेज रिवेन्यू क्या होती है, फॉल होती है, उसका कर्व फॉल होता है, और प्राइस भी क्या होती है, फॉल होती है, गिरती है, तो मार्जिनल रिवेन्यू भी क्या होता है, गिरता है। और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू कर्व के बिलो बनता है, किस कंडीशन, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू गिरती है, तो मार्जिनल रिवेन्यू भी क्या होती है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा फॉल होती है। टोटल रिवेन्यू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज मार्जिनल रिवेन्यू इज़ पॉजिटिव। टोटल रिवेन्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, कब तक, जब तक मार्जिनल रिवेन्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। टोटल रिवेन्यू फॉल्स व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू इज़ नेगेटिव। टोटल रिवेन्यू क्या होती है, गिरने लग जाती है, कब, मार्जिनल रिवेन्यू जब नेगेटिव तक आ जाती है। टोटल रिवेन्यू विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू इज ज़ीरो। और टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम पर कब रहेगी, जब मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, ज़ीरो है। जब मार्जिनल रिवेन्यू ज़ीरो है, तो टोटल रिवेन्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। टोटल रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू में हमने रिलेशनशिप देखा है, तो मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव रहेगी, तो टोटल रिवेन्यू क्या रहेगी, जब तक इंक्रीज रहेगी। जहाँ मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव आई, तो टोटल रिवेन्यू भी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, फॉल होने लग जाती है। और जहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, ज़ीरो है, तो टोटल रिवेन्यू क्या होती है, वहाँ पर मैक्सिमम होती है। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रिवेन्यू, एवरेज, मार्जिनल रिवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट, दैट इज़ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इसे हमने टेबल और कर्व दोनों के थ्रू समझाएं, और साथ में इसकी डिटेल भी दे रखी थी, और उसी के थ्रू हमारा जो टेबल और कर्व हमारा बनता है।
तो ये हो गया हमारा चैप्टर भी कंप्लीट।